बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, लेकिन एक चीज का बड़ा दुख है कि जो विषय है, विषय पर अभी तक बहुत गंभीरतापूर्वक आवाज नहीं मिल सकता। जिस बात के लिए ये महापंचायत बुलाई गई, जिस निर्णय को इस महापंचायत को लेना है, सही मायने में वो बात अभी तक हुई नहीं। अब कुछ साथी यहां पर आए, ढोल पर चले गए, कुछ लोग आए, थोड़ी देर बैठे और खाना खाकर चले गए, लेकिन इस पंचायत का परिणाम क्या होगा, क्या निकलेगा, क्या निकालना है, इस पर अभी तक बहुत ज्यादा बात हुई नहीं है। अगर मैं जरूर पढ़ना चाहता चलूंगा और एक दो साथियों को छोड़कर किसी और में इस विषय पर बात नहीं की, तो बात जरूरी। और विषय यह है साथियों कि 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ और उसके बाद देश में बहुजन समाज और युवाओं में जाति विशेष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो गुंडागर्दी का नन्ना नाच किया, और आज भी हमारे हजारों साथी, विशेषकर नौजवान साथी जेलों में बंद हैं, उनके प्रति इस महापंचायत को क्या निर्णय लेना है, हमें क्या करना चाहिए, विषय यह है। इसके साथ साथ इस विषय के पीछे भी छुपी हुई एक और बात है, जो मेरा मानना है कि दो तारीखों जो घटना हुई, जिस बात को लेकर वो घटना हुई, उस विषय से हम लोग भटके। और वह विषय का साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC ST एक्ट में जो बदलाव किया, उसे वो बिल्कुल पंगु बना गया। आज वो विषय कहीं नजर नहीं आ रहा। आज उसके बाद जो घटना हुई है, 2 तारीख को हम सब लोग जो समाज बाहर निकल कर आया, जो एफआईआर हुई और जो जेल में चले गए, अब सिर्फ उनकी बात हो रही है। यह तो हमारी नासमझी है, यह हमारी कमजोरी है, यह तो दुश्मन हम बहुत ज्यादा चाह रहा है कि जो असली विषय है हमेशा हमें उससे भटका देता है। जैसा मैं कहूं कि सहारनपुर में पिछले साल 5 मई 2017 को जो सफीरपुर में कांड हुआ, उस कांड को लेकर जो देश में पूरे में आक्रोश था और सरकार बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के लगभग घुटनों पर आ गई, लेकिन 9 तारीख को 9 मई को जो हिंसा हुई और उसके बाद में जिस साथियों को पकड़ा गया और मुकदमे लगे, तो जो असली मुद्दा था उस मुद्दे से हटकर हाँ नहीं यहां पर भटका दिया गया और सफीरपुर वाली बात और बाकी सारी की सारी चीजें मुद्दी हूं खड़ी रह गई। अब मुद्दा यह हो गया कि जो हमारे बच्चे जेल में हैं, उन पर हरियाणा है, उन मुकदमों को खत्म कराया जाए, उन बच्चों को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन साथियों इसके अलावा जो असली मुद्दा है कि जो SC ST के कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया, पंप बना दिया, हमें उसे भी नहीं भूलना। अब बात यह है कि इस पंचायत में क्या निर्णय होना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है साथियों कि हमें कम से कम 3 फैसले जरूर आज इस पंचायत में लेने चाहिए। नंबर 1, हम अरे यार मुद्दे की बात, उसे तो बता दो जिनको बुलवाया है आपने, उनसे तो ठीक है।